हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ मेंढक की तो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ एक तालाब की दलदल में दो मेंढक रहते थे वे दोनों वहाँ बड़े आनंद में अपना जीवन बिता रहे थे ना उन्हें किसी बात की चिंता थी और ना ही किस्मत से कोई शिकायत लेकिन जैसे ही गर्मियों के दिन आए तालाब का दलदल सूखने लगा एक दिन दलदल पूरी तरह सूख गया अब मेंढकों को चिंता सताने लगी कि वे अपना आवाज कहाँ बनाए उन्हें विवश होकर वह स्थान छोड़ना पड़ा अपने लिए नया घर ढूंढते ढूंढते वे दोनों एक कुएं के निकट जा पहुँचे कुएं के किनारे बैठकर उन दोनों ने भीतर की ओर झांका कुएं में पानी ऊपर तक भरा था एक मेंढक खुशी में झूमता हुआ दूसरे से बोला भैया देखो इस कुएं में कितना ऊपर तक पानी है ये हमारे रहने के लिए उचित स्थान है ये स्थान सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है आओ इसके भीतर चले दूसरा मेंढक बहुत ही समझदार था उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा भैया इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं दर्द सूखने पर हमें पुराना घर छोड़ना पड़ा था अगर हम यहाँ रहने लगेंगे और कुएं का पानी सूख गया तो हम बाहर कैसे निकलेंगे दूसरे मेंढक की बात सुनकर पहले वाले का सिर से झुक गया होप आपको यह स्टोरी पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय